अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, पालतू जानवर घर में पालने से दिमाग सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। घर में सब्ज़ पौधा हो तो रिज्क में इजाफा होता है। एक बेटी और एक दरख्त घर में दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। हामला औरत को भूरी रंग के भैंस का दूध पिलाने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। हजरत इमाम अली रज़ा फरमाते हैं, वैशी जानवर और गाय का गोश्त ज़्यादा खाना अकल की तबाही है, चेहरे की बेरौनकी कौंद जहनी और निशान का बैस है। जब नियत कुछ और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। अपनी नियत लोगों से छुपा सकते हैं, पर उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। अगर हर हफ्ते में दो दिन आड़ू का इस्तेमाल किया जाए तो जोड़ों के दर्द से आराम आ जाए और मैदा तंदुरुस्त हो जाए। जहाँ तारीफ़ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने गूंगे भी बोल पड़ते हैं। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लें उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया है। नेकी छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह ताला को पसंद आ जाए दोज़क हराम कर देता है। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। मुनाफ़िकों की ज़िंदगी सिर्फ अपने मफाद के गिर्द घूमती है, वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं होते। अनार खाने से बदन की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। दूध में शहद मिलाकर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिल्ला मत करें। गोशा नशीं हो जाएं मगर इतबार मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीक ना मांगें। अगर कोई बिलावजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कोई ख़ास है, सामने वाला हसद का शिकार है। हर ख़ानदान में एक शख्स ज़रूर होता है जो सारे ख़ानदानों को आपस में लड़ाकर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें, दोस्तों परेशान ना हुआ करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाओ अगर मैं कहूँ कि ये वो फल है जो जन्नत से नाजिल हुआ है तो कह सकता हूँ जन्नत के फल में गिल्टी नहीं होती। ये बवासीर को ख़त्म करता है। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त रब देता है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। अगर सुबह नहार मुँह शहद को नीम गर्म पानी में शामिल करके पी लिया जाए तो आपका वज़न कम हो जाएगा, डिप्रेशन से जान छूट जाएगी। आप दोस्तों के लिए मर्दाना कमज़ोरी का कमाल का नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये नुस्खा किसी आदमी को भी खिला दें तो वो भी इस पूरी रात शलवार नहीं पहनेगा। हर वीडियो में गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नुस्खा सुन लें, अगर आप अपनी मर्दाना ताकत में इजाफा करना चाहते हैं, अपनी बीवी से लुआ मनवाना चाहते हैं, अंगूर अंजीर शहद मिला के खा लिया करो।